तो किसान साथियों, आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट एजुटेक में स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे यूपीएल के प्रोडक्ट यूनिलैक्स के बारे में। तो इसके अंदर मेन मेन कंटेंट क्या आता है, क्या डोज रखनी चाहिए और कौन कौन सी फसलों में काम में लिया जाता है। तो साथियों, जैसा कि ये प्रोडक्ट आपको दिख रहा है वो यूनिलैक्स यूपीएल का, जिसके अंदर मेन कंटेंट मेटालक्स 8% प्लस मैनकोजेब 64 इन 64% WP फॉर्म में आता है। तो ये मेनली रूप से सरसों के अंदर काम में आता है। इसके अलावा अंगूर के अंदर, आलू के अंदर, तंबाकू के अंदर, इसके अलावा बाजरा, मिलेट, जीरा और सब्जियां, फल फ्रूट आदि के उत्पादन में, आदि के अंदर ये फंगस के तौर पे काम में आता है, ताकि इससे फसल की उत्पादकता बढ़े। तो साथियों, इसके बारे में हम बताएंगे कि ये अभी जो इस साइड में जीरा है, तो जीरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा शिकायत आ रही है ब्लाइट की, जैसे झुलसा रोग हो रहा है, काला पड़ रहा है, जैसे कुछ कुछ पौधे काले पड़ रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, लाल पड़ के जा रहे हैं, उनके अंदर इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है, क्योंकि ये विभिन्न तरह के फंगस होते हैं, उन सबको कंट्रोल करके पौधे के अंदर ग्रीननेस भी लाता है और पीलापन भी दूर करता है। तो इसके अंदर मेटालक्स 8% और मैनकोजेब जो कि एक M45 वाला जो टेक्निकल है, वो जीरे के अंदर जो भी फंगस होते हैं उनको आगे बढ़ने नहीं देता है और फफूंद को कंट्रोल करता है। तो ये एक बेहतर फंगिसाइड है। तो इसका उपयोग मेनली रूप से अंगूर के अंदर जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप वाइन, तो कंट्रोल ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन, जो अंगूर के अंदर मर्दुरोमिल आशिता होती हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा जीरे के अंदर झुलसा रोग हो गया और डाउनी मिल्ड्यू, उनको भी कंट्रोल करता है इस, और ये मेनली रूप से तंबाकू के अंदर भी यूज में लिया जाता है। तो डैम्पिंग ऑफ एंड ब्लैक सैंक डिजीज ऑफ तंबाकू इन नर्सरी। तो ये हैं जो तंबाकू होता है उसके अंदर तने के अंदर छोटे छोटे काले धब्बे पड़ जाते हैं, काले सैंक होते हैं वो, और जो ओमिसाइड फाइटोप्थोरा निकोटीन के कारण जो रोगजनक होते हैं वो सोलेनियस फसलों पर ये रोगजनक नुकसान पहुंचाते हैं, उन रोगजनक को ये कंट्रोल करता है। तो ये डैम्पिंग ऑफ ब्लैंक सैंक डिजीज ऑफ तंबाकू, इसको ये अच्छी तरह से कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑफ डैम्पिंग ऑफ ब्लैक सैंक डिजीज। और इसके अलावा ये लेट ब्लाइट इन पोटेटो, यानी आलू में पिछला झुलसा रोग के अंदर भी कारगर साबित होता है। और राइडे के अंदर जो मस्टर्ड, सरसों की फसल है, उसके अंदर ये वाइट रस्ट एंड अल्टरनेरिया ब्लाइट डिजीज को कंट्रोल करता है। तो ये जो राइडे के अंदर सफ़ेद धब्बे पड़ के जो राइडे के पत्ते गिरते हैं, पत्तों पे नुकसान पहुंचाता है, कोंपड़ों पे और उन पे, और पत्ती के दोनों तरफ गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ते हैं, जिसको झुलसा रोग कहते हैं, जिससे 50% तक उत्पादन घट सकता है। तो उसके अंदर भी ये अच्छा कारगर होता है एक स्प्रे इसका करने से। इसके अलावा ये फाइटोप्थोरा फूट रूट इन ब्लैक पेपर एंड डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट। तो ये है जो बाजरे के अंदर मर्दुरोमिल आशिता को कंट्रोल करता है। इसके अलावा काली मिर्च का जो पौधा होता है उसके अंदर फाइटोप्थोरा कैप्सिसी के कारण जड़ सड़ंध रोग होता है, उसके अंदर ये अच्छी तरह से कंट्रोल करता है तथा काली मिर्च का विकास भी करता है और बेसिल तना उसका भी विकास करता है और विभिन्न तरह के फंगिसाइड को कंट्रोल करता है। तो ये है जो आलू, जीरा, अंगूर, काली मिर्च, रायडा, सरसों और तंबाकू के अंदर प्रभावशाली फंगिसाइड है। तो आप भी इसको यूज लेवें और इसके रिव्यू ज़रूर बताएं, और जो भी किसान साथी नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देवें।